दोस्तों, अगर आपने जॉम्बी आइलैंड हॉरर स्टोरी के बाकी सारे पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें, नहीं तो ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा कि गुल्ली बुली और शॉन अपने सामने खूनी पिक को देखकर डर जाते हैं और वहां से भागकर ये लोग एक छोटे से घर में जाकर छुप जाते हैं। गुल्ली कहता है कि ये जगह हमारे छुपने के लिए बिल्कुल सही है। शॉन कहता है कि अगर हमारे पास हमारी गाड़ी होती तो हम लोग यहाँ से आसानी से निकल सकते थे गुल्ली बुल्ली। और इधर खूनी पिक वेयर हाउस के अंदर चला जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। वहाँ गुल्ली बुली और शॉन तुम लोगों को बाहर से सुन रहे थे। जेसन कहता है कि इस बार तो मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, हर बार ये लोग मेरे हाथ से बचकर निकल जाते हैं। और जेसन अकेले ही गुल्ली बुली और शॉन को मारने के लिए निकल जाता है। इधर शॉन गुल्ली बुली से कहता है कि यहाँ पर जैसे ही कोई हमें ढूंढते हुए आएगा तो मैं उस पर हमला कर दूंगा गुल्ली बुल्ली, और इधर तुम लोग पीछे से वेयर हाउस के सामने वाली गाड़ी चुरा लेना। और तभी जेसन वहां पर आ जाता है और शॉन जेसन के सामने आकर लड़ने लगता है। और इधर गुल्ली बुल्ली गाड़ी चुरा कर शॉन की तरफ आते हैं और जेसन को गाड़ी से उड़ा देते हैं और शॉन को गाड़ी में बैठा कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी रास्ते में एक बड़ा सा पोर्टल खुल जाता है और ये लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। और तभी दूसरी ओर से ये लोग सीधे अपने घर पर पहुंच जाते हैं, यानी बाबा ने ही इस पोर्टल से यहाँ पर गुल्ली बुली और शॉन को बचाया है। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। गुल्ली बुली, शॉन और बाबा घर के अंदर आ जाते हैं और बाबा ने शॉन को भी ठीक कर दिया है। बुल्ली कहता है कि बाबा आपको खाना बनाना किसने सिखाया, वो भी इतना अच्छा। बाबा कहते हैं कि बुल्ली दरअसल मेरा एक दोस्त है जिसका एक खाने का ठेला है, उसी के ठेले पर जाके मैंने ये सब बनाना सीखा है। गुल्ली कहते हैं कि बाबा खाना तो खा लिया हमने, लेकिन अब ये बर्तन कौन साफ करेगा। बाबा कहते हैं कि मैं तो सिर्फ खाना बनाना जानता हूँ गुल्ली, ये बर्तन वगैरह धोना मुझे नहीं आता, ये काम तो तुम लोगों को ही करना होगा। गुल्ली कहते हैं कि शॉन ये मौका मैं तुम्हें देना चाहूंगा, अच्छे से ये सारे बर्तन साफ कर दो और दिखा दो कि धुलाई में तुमसे अच्छा कोई नहीं है। शॉन कहता है कि तुम दोनों मेरे साथ चलो ना गुल्ली बुल्ली, ये सारे बर्तन मैं अकेले नहीं धोने वाला। लेकिन तभी इन लोगों को बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है और जैसे ये लोग बाहर आते हैं तो ये लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इनके घर के सामने लेदर फेस, मिस्टर मीट, खूनी पिग और जेसन आ चुके होते हैं। बुल्ली कहता है कि बाबा ये लोग यहां पर कैसे आ गए, ये लोग तो जॉम्बी आइलैंड में होने चाहिए। लेकिन तभी इनकी नजर उस पोर्टल की तरफ जाती है। बुल्ली कहता है कि बाबा ये पोर्टल तो अभी तक खुला हुआ है, मुझे लगता है कि ये चारों इसी पोर्टल से यहां पर आए हैं, अब हम क्या करेंगे। तभी जेसन कहता है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सब तुम लोगों का अब काम तमाम करने वाले हैं। बाबा कहते हैं कि तुम लोग घर के अंदर जाओ गुल्ली बुली और शॉन, मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। और गुल्ली बुली और शॉन घर के अंदर जाने के बजाय छत पर आ जाते हैं और ऊपर से ही सब कुछ देखने लगते हैं। इधर बाबा कहते हैं कि चलो अब तुम चारों में से सब एक एक करके आओ, देखते हैं किसमें कितना दम है। और तभी लेदर फेस तुरंत बाबा की तरफ दौड़ लगा देता है और बाबा से कहता है कि चलो बूढ़े बाबा, दिखाओ अपनी ताकत। और तभी ये लोग लड़ने लग जाते हैं और कुछ ही देर में बाबा लेदर फेस को मार देते हैं। और ये देखकर गुल्ली बुली और शॉन बहुत खुश हो जाते हैं। शॉन कहता है कि मैं तो बाबा का फैन हो गया गुल्ली बुल्ली, क्या मारा है बाबा ने इस लेदर फेस को, कमाल ही कर दिया बाबा ने तो, मुझे लगता है कि आज इनमें से कोई नहीं बच पाएगा। गुल्ली कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है शॉन, अब देखते हैं अगला कौन मारा जाएगा। बाबा कहते हैं कि क्या हुआ, अब और कोई नहीं आएगा क्या। मिस्टर मीट कहता है कि तुम्हें मारने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं बाबा, लेकिन अफसोस मैं बूढ़े लोगों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन चलो आज लगता है हाथ उठाना ही पड़ेगा।
और अब मिस्टर मीट बाबा को मारने के लिए बाबा की ओर दौड़ जाता है। और बाबा ने कुछ ही देर में मिस्टर मीट की हवा निकाल दी। और अरे ये तो शॉन इधर सो ही गया है। बुल्ली कहता है कि क्या लगता है गुल्ली तुम्हें, अब ये दोनों जो बचे हैं वो बाबा के सामने कितनी देर तक टिक पाएंगे। गुल्ली कहता है कि बुल्ली मुझे तो लगता है कि ये सब बस 5 मिनट में ही मारे जाएंगे। और इधर अब खूनी पिग बाबा की तरफ आने लगता है। और अरे ये तो खूनी पिग भी यहां ढेर हो गया। और अब बस जेसन ही बचा है। बाबा कहते हैं कि तुम खड़े क्यों हो जेसन, आओ अब तुम्हारी बारी है। जेसन कहता है कि बाबा मुझे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है। बाबा कहते हैं कि चलो आजमा के देख लेते हैं ना जेसन। और इधर शॉन नींद से उठ जाता है। शॉन कहते हैं कि यहां पर अभी क्या हुआ है गुल्ली बुल्ली, दरअसल मेरी आंख लग गई थी जरा। गुल्ली कहता है कि शॉन अब बस जेसन ही बचा है, इसके मरते ही हमें किसी चीज की टेंशन नहीं रहेगी। जेसन कहता है कि बाबा तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो, चलो अगर दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे जाने का समय आ गया है अब जेसन। और जेसन भी बाबा की तरफ आने लगता है, लेकिन अरे इसने तो बाबा को ही पटक दिया। और ये देखकर गुल्ली बुली और शॉन घबरा जाते हैं। शॉन कहता है कि गुल्ली बुली ये जेसन ने बाबा को कैसे पटक दिया। गुल्ली कहता है कि शॉन ये सोचो कि अगर बाबा नहीं उठे तो हमारा क्या होगा, अब जेसन तो हमें मार ही देगा। बुल्ली कहता है कि ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो गुल्ली और शॉन, बाबा मरे थोड़ी ना है, वो देखो जरा। और इधर बाबा ने आखिरकार जेसन को मार ही दिया है। और गुल्ली बुल्ली और शॉन बेहद खुश हैं क्योंकि बाबा ने आज एक साथ 4 दरिंदों को मारा है। शॉन कहता है कि बाबा मैं तो आपका फैन हो गया, आपके लड़ाई करने का तरीका भी कमाल का है। गुल्ली कहता है कि शॉन एकदम सही कह रहा है बाबा, आप कमाल हैं। बाबा कहते हैं कि बस इतनी तारीफ काफी है, चलो अब घर के अंदर चलते हैं। बुल्ली कहता है कि इन चारों का अब क्या करना है बाबा। बाबा कहते हैं कि इनको ऐसे ही पड़े रहने दो, सुबह पुलिस वालों को बुलाकर उनको दे देंगे इन्हें, शायद हमें थोड़ा इनाम भी मिल जाए इसका, चलो अब घर के अंदर चल के पार्टी करते हैं हम लोग। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको तुरंत पता चल जाए।